हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ वेलकम्स यू इन डिजी लेसन्स। टुडे वी शैल रीड अबाउट लेसन 8 क्लास 11 जनरल इंग्लिश ईदगाह। द स्टोरी डिस्क्राइब्स एन ऑर्फन्स लव फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट। ये कहानी दर्शाती है अनाथ बच्चे का स्नेह उसकी दादी के प्रति, एंड हाउ ही ओवरकम्स हिज चाइल्डिश डिजायर, और कैसे वह विजय पा लेता है अपने बचपन की इच्छाओं पर। एंड स्पेंड्स हिज लिटिल मनी ही हैज टू बाय समथिंग ऑफ यूज फॉर हिज ग्रैंड मदर, और खर्च करता है अपने थोड़े से धन को कुछ ऐसा खरीदने के लिए जो उसकी दादी के लिए उपयोगी हो। ईद हैज कम ए फुल ऑफ 30 days आफ्टर रमजान। ईद का त्यौहार आ चुका है पूरे 30 दिन बाद रमजान के। वॉट ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग इट इज, क्या सुंदर सुबह है ये। द ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदान, द ब्लू स्काई नीला आकाश, द ड्रेजलिंग सनशाइन चमकदार सूर्य का चमकना, ऑल सीम टू बी सेलिब्रेटिंग द एडवेंट ऑफ ईद। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सभी प्रकृति के में जितने भी सभी वस्तुएं हैं और जितने भी प्रकार हैं और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग ईद मनाने के लिए तैयार हों। द एंटायर विलेज इज फुल ऑफ हस्टल एंड बस्टल, पूरे गांव में अस्त व्यस्त और शोर शराबा का माहौल है। प्रिपरेशंस टू गो टू द ईदगाह आर इन फुल स्विंग, तैयारियां ईदगाह की चरम सीमा पर हैं। ईदगाह जाने के लिए तैयारियां चरम सीमा पर हैं। समवन्स कुर्ता लैक्स ए बटन, अचानक किसी के कुर्ते का बटन टूट जाता है। He runs to his neighbor's house to borrow a needle and thread. तो वह दौड़कर अपने पड़ोसी के पास जाता है सुई धागा मांगने के लिए। Someone else's leather shoes have grown too hard to wear. किसी के चमड़े के जूते पर पहनने में चमड़े के जूतों को पहनने में कठिनाई हो रही है। He runs to the ऑयल प्रेस फॉर सम ऑयल टू ग्रीस एंड सॉफ्टन द लेदर, वह दौड़कर जाता है तेल वाले के पास तेल लेने के लिए और कुछ चिकनाई लेने के लिए ताकि वो जूते पर लगा सके और जूते आसानी से वो पहन सके। द ब्लॉक्स आर बीइंग हेस्टली गिवन देयर फॉर्डर बिकॉज इट विल बी आफ्टरनून बाय द टाइम फॉक्स रिटर्न फ्रॉम द ईदगाह। बैलों को चारा दिया गया था क्योंकि दोपहर तक उन्हें लौटने में बहुत देर हो जाती ईदगाह से, इस कारण उन्हें भोजन के रूप में चारा डाला गया था। इट इज़ ए गुड 3 miles फ्रॉम द विलेज, यह 3 मील की दूरी पर गांव से ईदगाह थी। टू से नथिंग ऑफ द टाइम दैट विल बी टेकन इन मीटिंग एंड चैटिंग विद स्कोर्स ऑफ पीपल, और कुछ ऐसा समय नहीं था कि मानो कि समय ज़्यादा लगे, समय का पता ही नहीं लग रहा था क्योंकि लोगों से मिलते हुए वो बात करते हुए कई ज़्यादा संख्याओं में लोग बातें करते हुए चले जा रहे थे। द बॉयज़ आर मोस्ट एक्साइटेड, लड़के बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। सम ऑफ देम हैड फास्टेड वंस, किसी ने तो उनमें से उपवास रखा था। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान बट ओनली टिल नून, रमजान के महीने के दौरान किसी ने व्रत उपवास रखा था, रोजा जिसको कहते हैं, किसी ने दोपहर तक ही रखा था। अदर्स हैडंट इवन डन दैट, और किसी ने नहीं भी रखा था। बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये कोई बात नहीं है। फास्ट्स वर फॉर एज्ड, जो उपवास था वो अधिकांश वृद्ध और बड़े लोगों के द्वारा रखा गया था। फॉर यंगस्टर्स ईद वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड टूडे द लॉन्ग अवेटेड डे हैड फाइनली अराइव्ड, युवाओं के लिए ईद का त्यौहार जो लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे अब वह आ चुका था, किशोरों के लिए आ चुका था। वाई वाजंट एवरी वन हरिंग टू गो टू द ईदगाह, क्यों प्रत्येक व्यक्ति तैयार नहीं था ईदगाह जाने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसे भी थे जो तैयार नहीं थे ईदगाह जाने के लिए। द बॉयज डिडंट केयर इफ देयर वॉज मिल्क एंड शुगर इन द हाउस कुक सेवियाँ, जो लड़के थे उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि घर में दूध या शक्कर है कि नहीं कि जिससे सेवैयाँ पकाई जा सकें। स्पेशली ईद विशेष रूप से ईद के त्यौहार पर
दे वर ओनली कंसर्न विद ईटिंग इट, उनका जो ध्यान था केवल वो केवल सेवइयां खाने पर ही था। दे जिंगल द कॉइन्स इन देयर पॉकेट, टुक देम आउट, काउंट देम, रिप्लेस्ड देम जॉयफुली। दे जिंगल्ड द कॉइन्स इन देयर पॉकेट्स, उन्होंने अपने जेबों में सिक्कों को खनखनाया। टुक देम आउट टू काउंट देम एंड रिप्लेस्ड देम जॉयफुली, और उन्हें बाहर निकाला और खुशीपूर्वक आपस में एक दूसरे के सिक्के इकट्ठे करके बदलने का प्रयास किया। महमूद है 12 पीस, महमूद के पास 12 पीस, पीस एक जो मुद्रा की इकाई है जैसे पैसे होते हैं उस प्रकार से, तो 12 पैसे थे उसके पास। मोहसिन एंड हैड 15, मोहसिन के पास 15 थे। विद दिस ट्रेजर दे वर गोइंग टू बाय काउंटलेस थिंग्स, टॉयज, स्वीट्स, बगल्स, बॉल्स एंड वॉट नॉट। इस खजाने के साथ वो लोग बहुत सारी अनगिनत संख्या में वस्तुओं को खरीदने जा रहे थे, खिलौने, मिठाइयाँ, बजाने वाले बिगुल्स, गेंद और क्या नहीं। द हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ ऑल वाज हामिद, सबसे ज़्यादा खुश लड़का था हामिद। ही वाज ए पुअर इल क्लैड स्किनी चाइल्ड ऑफ 4 and 5 हुज फादर हैड डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलरा। सबसे ज़्यादा खुश जो था वो हामिद था, बेचारा गरीब नादान बालक, सहमा सा हुआ और मुलायम त्वचा वाला 4-5 साल का लड़का जिसके पिता की मृत्यु हैजा के कारण हो गई थी। एंड उस मदर हैड वेस्टेड अभी डाइट एंड डाइड ऑफ गॉड नोस व्हाट डिजीज, और उसकी माँ का देहांत भी हो गया था, भगवान जानता है कि क्या बीमारी थी, उनका भी देहांत हो गया था। नाउ हामिद स्लेप्ट इन द लैप ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर अमीना एंड वाज एज हैप्पी एज ही हैड ऑलवेज बीन। अब हामिद अपनी दादी की गोद में सोया करता था, अमीना जिसकी दादी का नाम था, और वो भी इतनी ज़्यादा खुश होती थी कि जितनी हामिद खुश होता था उतनी वो हमेशा वो भी खुश रहती थी। ही बिलीव्ड हिज फादर वुड रिटर्न विथ सैक फुल ऑफ मनी, उसका ये विश्वास था कि पिता एक दिन लौट कर आएंगे और बोरों से भरकर पैसे लाएंगे। हिज मदर हु हैड गॉन टू अल्लास अबाउट वुड कम बैक विद द लवलीस्ट गिफ्ट फॉर हामिद, उसका विश्वास था कि माँ जो अल्लाह के पास चली गई है वो भी एक दिन लौट कर आएंगी और बहुत सारे उपहार उसके लिए लेकर आएंगी। देन ही विल हैव मच मोर देन मोहसिन, तब उसके पास बहुत ज़्यादा होगा, मोहसिन से भी ज़्यादा, नूरी और सम्मी से भी ज़्यादा। हामिद रन्स इनटू द हाउस एंड टेल्स हिज ग्रैंड मदर नॉट टू वरी, हामिद दौड़कर जाता है अपने घर में और दादी से कहता है चिंता मत करना। ही विल बी अमंग द फर्स्ट टू रिटर्न फ्रॉम द ईदगाह, वह ईदगाह से लौटने वाले लोगों में सबसे पहले वही आएगा। अमीनाज हार्ट इज एकिंग, अमीना का हृदय दुखित हो रहा है। हाउ कैन सी लेट हर लिटिल वन गो अलोन, वह एक छोटे से बच्चे को अकेला कैसे जाने दे सकती हैं। वॉट इफ ही गेट्स लॉस्ट, कहीं ऐसा ना हो क्या वो खो जाए कहीं। हाउ विल ए माइट लाइक हिम ट्रज 3 miles barefoot, कैसे इस छोटे से नादान बच्चे को पैरों पर चल के 3 kilometers वो जाने दे सकती थी। सी कैन नॉट गो विद हिम, और वह उनके साथ जा नहीं सकती थी। ए पुअर वुमेन लाइक हर हैज येट टू कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सेवियाँ, इस गरीब महिला को ने ये जाना पसंद किया कि सामग्री इकट्ठा करना सेवियाँ पकाने के लिए। एंड बोरोइंग टेक्स मच मोर टाइम दैन बॉइंग, और उधार लेना ज़्यादा जरूरी था कुछ लोगों से कुछ खरीदने की अपेक्षा सेवियाँ पकाने के लिए। द ब्लेजर्स फाइनली लीव फॉर ईदगाह, चिल्ड्रन रनिंग अहेड, गांव वाले अंततः ईदगाह के लिए रवाना हो गए, बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे। हामिद इज विद देम, हामिद उनके साथ था। क्लोजर टू द टाउन, जैसे ही शहर पास आता है, दे वॉक पास्ट द हाउस एंड द गार्डन ऑफ द रिच एंड लॉ कोर्ट द कॉलेज द क्लब द पुलिस स्टेशन एंड व्यूड वाय द चिल्ड्रन विथ द ग्रेटेस्ट क्यूरियसिटी, तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि उन्हें घर दिखने लगे, बगीचे दिखने लगे, तहसील दिखने लगी, कॉलेज दिखने लगा, क्लब हाउस दिखने लगे, पुलिस स्टेशन दिखने लगा, और बच्चे इन सबको बड़ी उत्सुकता के साथ देखते जा रहे थे। एज दे अप्रोच द ईदगाह दे कैचअप,
विद द अदर ग्रुप ऑफ पीपल हेडिंग द सेम वे। जैसे ही वह लोग ईदगाह पहुँचे तो वह दूसरे लोगों के समूह में शामिल हो गए। पीपल इन तोंगास, पीपल इन कार्स, पीपल ऑन फुट, ऑल बी ब्राइटली ड्रेस्ड एंड एगग विद एंटिसिपेशन। लोग जो कि तांगे से आए थे, कारों में आए थे, पैरों पर चलकर आए थे, अच्छी वेशभूषा पहने हुए थे, वो भी लोग इस संदर्भ में इनके साथ आकर मिल गए। सडनली दे स्पॉट द ईदगाह, शीघ्रता से ही ईदगाह वो लोग पहुँच गए। इट इज शेडेड बाय टमरिंड ट्रीज एंड इट्स सीमेंटेड फ्लोर इज कवर्ड विद शीट्स। यह इमली के पेड़ों की छाया से ढका हुआ, सीमेंट से बना हुआ उसका फर्श था और उस पर चादरें बिछी हुई थी। देयर आर रोज अपॉन रोज और बर्सेपर स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड द कोर्टयार्ड ऑफ रोज, कोर्टयार्ड ऑफ मॉस्यू। यहाँ पर कतारें लगी हुई थी अनुयायियों की, जो कि ईश्वर अल्लाह की अनुयायन, ईश्वर की अल्लाह की इबादत करने के लिए जो अनुयायी थे उनकी कतार लगी हुई थी मस्जिद के मैदानी क्षेत्र में। अलॉन्ग विथ अदर न्यू कमर्स द पीपल फ्रॉम हामिस ब्लेस टेक देयर प्लेस इन द बैक रोज आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट। नए लोगों के साथ हामिद के लोग, गाँव के लोग भी अपने स्थान को उन्होंने प्राप्त किया और पीछे वाली लाइन में चले गए हाथ और पैर धोने के बाद। वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हेयर, धन और स्तर यहाँ पर कोई मामला नहीं है। इन द आइज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आंखों में ऑल मैन आर इक्वल, सभी लोग समान हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइड इट इज, कितनी सुंदर सतह है ये। सिमल्टेनियस बोइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द हेड्स इन प्रेयर, एक ही समान एक समय पर झुकने वाले हजारों सिर ईश्वर की अल्लाह की इबादत में। सो मैनी वर्ष पर स्टैंडिंग इरेक्ट टुगेदर, बहुत सारे अनुयायी एक साथ इकट्ठे होते हैं। देन बोइंग डाउन टुगेदर एंड सिटिंग ऑन देयर नीस, और झुककर अपने घुटनों पर झुकते हैं अल्लाह के लिए। व्हाट एन अवे, इंस्पायरिंग द हार्ट, वार्मिंग साइड इट इज, क्या सुंदर दृश्य है ये, हृदय को प्रेरित करने वाला और हृदय के अनुकूल कितनी सुंदर सतह है ये। द नमाज इज ओवर, अब नमाज खत्म होती है। पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर, लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। देन दे हेड फॉर द टॉय शॉप्स एंड द स्वीट शॉप्स, बाद में वो लोग खिलौनों की दुकानों की ओर जाते हैं और मिठाइयों की दुकानों की ओर जाते हैं। द ब्लेजर्स आर एज एक्साइटेड एज द चिल्ड्रन, गाँव वाले भी इतने ही ज़्यादा उत्सुक थे जितने की बच्चे। वन पैसे फॉर ए राइड ऑन स्विंग, टेकिंग यू अप इन टू द एयर देन हर्लिंग यू डाउन टू द अर्थ, तभी अचानक एक झूला वाला चीख कर कहता है एक पैसा तुम्हें सवारी करवाएगा झूले की, जो तुम्हें हवा में ले जाएगा और फिर वही तुम्हें हवा से नीचे पृथ्वी पर लेकर आएगा गोल गोल। एंड वन पैसे फॉर 25 राइड्स ऑन राउंड अबाउट, तभी दूसरा झूला वाला चिल्लाता है एक पैसा दोगे तो 25 गोल गोल चक्कर लगवाए जाएंगे आपको बैठाकर झूले में। महमूद मोहसिन नूरी एंड सम्मी क्लाइम ऑन द वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स एंड गो राउंड एंड राउंड जॉयफुली। महमूद मोहसिन नूरी सम्मी एक लकड़ी के घोड़े पर चढ़ जाते हैं, कोई ऊँट पर चढ़ जाता है और गोल गोल घूमने लगते हैं। बच्चों के जो झूले होते हैं हाथी घोड़ों के, उन पर बैठ जाते हैं। हामिद स्टैंड्स अपार्ट, हामिद एक तरफ खड़ा रहता है। ही हैज़ ओनली 3 पैसे, अब उसके पास केवल 3 पैसे हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 1/3 ऑफ हिज प्रेसियस मनी ऑन ए मेयर राउंड अबाउट, वह कैसे सक्षम हो सकता है 1/3 हिस्सा अपने इस मुद्रा के झूले पर खर्च करने के लिए। हिज फ्रेंड्स डिसमाउंट एंड रन अक्रॉस टू द रो ऑफ टॉय शॉप्स, उसके जो दोस्त थे वह बहुत बुरी तरह से मुस्कुराते हुए उसके आगे निकलते हुए चले गए और अब खिलौनों की दुकान की ओर अग्रसर हो गए वो। महमूद बायस ए सोल्जर इन खाकी यूनिफॉर्म एंड रेड टर्बन, महमूद खरीदता है एक खाकी यूनिफॉर्म पहने, लाल पगड़ी पहने सैनिक, विद ए राइफल ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर
बंदूक रखी हुई है, रेडी फॉर एक्शन, ऐसा लगता है मानो एक्शन के लिए, क्रिया करने के लिए तैयार हो। मोहसिन बायस ए स्माइलिंग वाटर कैरियर, मोहसिन खरीदता है एक जलवाहक यंत्र जैसे फायर ब्रिगेड, रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स, तैयार है उसका वाहन धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए। नूरी एक्वायर्स ए लायर, नूरी को आवश्यकता पड़ती है एक वकील की, जरूरत थी। हाउ इम्प्रेसिव ही सीम्स अटायर्ड इन ए ब्लैक गाउन विद ए गोल्ड वॉच चेन एंड फैट लॉ बुक इन हिज हैंड। उसने एक वकील का खिलौना खरीद लिया और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक उसे वो लगा, जिसके हाथ में एक मोटी कानून की किताब थी और एक हाथ में घड़ी पहने हुए था। सम्मी वाइस ए स्टडी वॉशरवुमैन, सम्मी ने भी एक शानदार धोबन खरीद ली, धोबन का खिलौना खरीद लिया। ऑल दिस टॉयस कॉस्ट 2 पैसे ईच, ये सारे खिलौने जो थे 2-2 पैसे के थे। टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद टू बाय, हामिद के लिए खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे थे। दे आर ओनली ऑफ क्ले, और ये सारे खिलौने मिट्टी के थे। ही टेल्स हिज फ्रेंड बर्न फॉल एंड दे विल ब्रेक, बाय अपने दोस्तों से कहता है यह एक बार गिरेंगे और टूट जाएंगे। यट ही लुक्स एट द टॉयस विद एनवियस आइज एंड वॉन्ट टू प्ले विद दैम,